गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। अरे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं सरकार के अंग। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्गन। तो ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट मैं ऐसे लिख दूंगा, ORGA, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, कितने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट ही है। सबसे पहले सरकार के ऑर्गन क्या होते हैं। जैसे कि हम अपने बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में भी क्या है, कुछ ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स का क्या काम होता है, कुछ काम को करना, है ना। हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लीजिए हैंड इज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ माई बॉडी। तो हैंड का क्या काम है, कुछ स्पेसिफिक काम है। वैसे ही लेग का क्या है, कुछ स्पेसिफिक काम है। नोज का कुछ स्पेसिफिक काम है। तो सिंस जो सरकार है वो भी बहुत सारे काम करती है, उस काम को करने के लिए क्या किए हैं सरकार ने, कुछ अलग अलग ऑर्गन्स बना दिए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं। और अलग अलग ऑर्गन का क्या है, अलग अलग काम है। तो बेसिकली देर आर थ्री मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। क्या है, लेजिस्लेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायिका। सेकेंड जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है सेकेंड ऑर्गन का, एग्जीक्यूटिव। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कार्यपालिका। थर्ड जो ऑर्गन है उसका नाम है ज्यूडिशियरी। और इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका। तो सरकार के बेसिकली कितने ऑर्गन हो गए, थ्री। देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अब इन तीनों ऑर्गन के क्या क्या काम है, इस बारे में भी हम बात करते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे सोचने के लिए, आप थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करो, फिर पॉन्डर करो और फिर उसके बाद प्ले करना। तब तक आप सोचिए कि इन तीनों ऑर्गन का क्या काम है, उन तीनों में क्या डिफरेंसेज है। मैं बताता हूं अब। सबसे पहला जो है लेजिस्लेचर, है ना, ये क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम है। पहले लेजिस्लेचर है कौन, अपने देश में लेजिस्लेचर है कहाँ पे, है ना। जो भी पार्लियामेंट है अपने देश के लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट, और स्टेट राज्य के लेवल पे बात करें या प्रोविंस के लेवल पे बात करें तो वहां पे क्या आता है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या है, ये दोनों लेजिस्लेचर के फॉर्म है। ठीक है, लेजिस्लेचर के पार्ट है, लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, अलग अलग स्टेट में दोनों होती है। अब देखो जो लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। क्या काम है लेजिस्लेचर का, लॉ बनाना। अपना जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, वो कानून बनाती है। कानून के साथ साथ क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी भी बनाती है, अलग अलग नीति भी बनाती है। हमारे देश के लिए वेलफेयर स्कीम भी बनाती है। वेलफेयर स्कीम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। सरकार किसानों के लिए अलग अलग स्कीम बनाती है। तो ये सब कहाँ पे बनता है, लेजिस्लेचर पे बनता है। ओके, लेजिस्लेचर का और भी काम है, जैसे कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा, किस स्कीम में कितना पैसा जाएगा, ये सब जो फंड है जो एलोकेट कौन करती है, अपने देश का पार्लियामेंट करता है, लेजिस्लेचर करता है। ओके, तो सबसे जो मेन काम है लेजिस्लेचर का क्या हो गया, टू मेक लॉज, ऑल्सो टू एमेंड लॉज। ठीक है, सबसे बड़ा काम क्या है, ये लेजिस्लेचर का काम क्या हो गया, लॉज बनाना। अब देखिए लॉज बन जाएगा उसके बाद क्या आता है, सेकेंड स्टेप चालू होता है। मान लीजिए हमने लॉ बना दी कि हमारे पास कोई लॉ बन गया, मान लो हमने कोई अभी लॉ बना दी कि कोविड से रिलेटेड है वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। तो वो अब उसको फॉलो कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो एग्जीक्यूशन का काम आता है एग्जीक्यूटिव के पास। जैसे नाम से ही क्या है, क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो पार्लियामेंट के जो भी लॉज बने, जो भी कानून बने, जो भी पॉलिसी बने, जो भी नीति बने, उन सबको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब हुआ एग्जीक्यूटिव, तो जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, है ना, एमपी, चाहे वो किसके हो, लोकसभा के हो या
राज्यसभा के हो, है ना, तो सारे के सारे एमपी जो उसमें काउंट हो जाते हैं, उसके अलावा स्टेट्स के एमएलएज, एमएलए, ठीक है, एमएलसी भी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें आते हैं। ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव है। इन सबको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ओके। इसके अलावा और कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव में, जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब कौन है, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये कौन है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और ये क्या है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्पररी एग्जीक्यूटिव क्यों है, क्योंकि 5 साल बाद वो क्या हो सकते हैं, वो हट सकते हैं। अगर जनता ने उनको नहीं चुना तो क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे और उनके जगह पे कोई और एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो भी लॉज, जो भी पॉलिसी, जो भी स्कीम लेजिस्लेचर द्वारा बनेगी, उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना। क्या काम है इसका, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन, ओके। अब आते हैं हम लोग सरकार के थर्ड ऑर्गन पे, जिसका नाम है ज्यूडिशियरी, मतलब न्यायपालिका, हिंदी में न्यायपालिका और इंग्लिश में ज्यूडिशियरी। अब देखिए ज्यूडिशियरी का मतलब क्या है, ये जो भी हमारा कोर्ट सिस्टम है इंडिया में, ज्यूडिशियरी का क्या है, जो मतलब न्याय दे, वो क्या है, ज्यूडिशियरी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्याय दिलाना ही ज्यूडिशियरी का काम नहीं है, साथ में क्या है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, या कानून बनाती है लेजिस्लेचर, तो जो भी लॉज है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंटरप्रेट करना क्या है, ज्यूडिशियरी का काम है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाए किसी कानून को लेके या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फीचर को लेके, तो उसको कौन सुलझाएगा, उसको क्लियर आउट कौन करेगा, तो वो कौन करता है, ज्यूडिशियरी, है ना। अपने यहाँ ज्यूडिशियरी का 3 लेवल है बेसिकली। सबसे लेवल एपेक्स, एपेक्स लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं हम, एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सबसे क्या है, टॉप मोस्ट लेवल पे आता है ज्यूडिशियरी में। उसके बाद हाई कोर्ट एंड थर्ड पे आते हैं लोअर कोर्ट, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ये सारे के सारे लोअर कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट क्या होता है, एक किसी भी स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, हर स्टेट के, मैक्सिमम स्टेट्स के क्या है, हाई कोर्ट है। और अपने देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है, वो बाकी जितने कोर्ट्स हैं उन पे क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है, उनको डिसीजन फॉलो करने होते हैं। साथ में वही हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन इस पे क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएंगे। तो साथ में बेसिकली क्या, जुडिशरी का क्या है हुआ, कन्फ्लिक्ट को सुलझाना। अब कन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है ना, जनता को भी हो सकता है गवर्नमेंट से। मान लीजिए कोई कानून आता है, हम उस पर खुश नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को कौन सुलझाता है, इट इज द जुडिशियरी। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, कितने ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना एंड टू रिजोल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट एंड पीपल और गवर्नमेंट एंड पीपल। तो ये हमारा आज का यहीं पे हम खत्म करेंगे, इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।